नमस्कार। आज अपन एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। उस सीरीज का नाम है नीट एग्जाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व। नीट के एग्जाम में लास्ट 5 सालों के अंदर किस प्रकार से केमिस्ट्री से क्वेश्चन आए हैं, उन क्वेश्चनों को अपन यहाँ पर वन बाय वन सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैं आपको बताता हूं कि प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको शीघ्र मिल सके। तो चलते हैं अपन। तो 2018 के अंदर किस प्रकार क्वेश्चन आए हैं वो यहां पर मैं 4 क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो 2018 के अंदर ये 4 क्वेश्चन अपन यहाँ पे करेंगे। पहला क्वेश्चन है नाइट्रोजन यौगिकों में इनकी ऑक्सीकरण अवस्थाओं का घटता हुआ सही क्रम है। आपके पास में 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इन 4 ऑप्शन में नाइट्रोजन युक्त कंपाउंड है। इसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था के घटते हुए क्रम में आपको दर्शाना है। तो यहाँ पर पहले सभी कंपाउंड की ऑक्सीकरण अवस्था निकालते हैं। तो जैसे कि यहाँ निकालता हूँ पहले HNO3 की, तो HNO3 में इस नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था निकालता हूँ। तो यहाँ पर हाइड्रोजन की जो ऑक्सीजन अवस्था होती है +1, यहाँ +1 आ जाएगी। नाइट्रोजन की निकाल इसको मैंने एक्स माना, और ऑक्सीजन की आपको पता है कि -2 होती है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 = 0। तो यहाँ पर आएगा +1 +x - 6 = 0, और x - 5 = 0, और x इक्वल कितना आ जाएगा +k 5। तो यहाँ पर HNO3 में नाइट्रोजन की ऑक्सीजन जो अवस्था आ रही है वो +5 आ रही है। तो इसका जो यहाँ पर कितना आएगा नाइट्रोजन की +5 ऑक्सीकरण अवस्था HNO3 में। नेक्स्ट कंपाउंड है NH4Cl की निकालते हैं अपन। तो NH4Cl की ऑक्सीजन अवस्था जब निकालेंगे तो यहाँ पर कितनी आती है वो देखते हैं। तो NH4Cl इस नाइट्रोजन निकाल इसको एक्स माना, हाइड्रोजन की आपको पता है +1 होती है, +1 ही लिखता हूँ, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, क्योंकि 4 हाइड्रोजन है, और यहाँ पर -1 क्लोरीन का इक्वल करूंगा तो क्या आएगा 0। तो यहाँ पर एक्स प्लस के 4 -1 = 0, एक्स प्लस के 3 इक्वल क्या आएगा 0, और एक्स इक्वल कितना आ जाएगा -k 3। तो यहाँ पर NH4Cl में नाइट्रोजन की जो ऑक्सीजन अवस्था होती है वो -3 आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करूंगा मैं एनओ की निकालेंगे। तो एनओ की ऑक्सीजन अवस्था निकालता हूं यहां पर। एनओ की ऑक्सीजन अवस्था में इसकी एक्स आ जाएगी, ऑक्सीजन की आपको पता -2 होती है, यहां पर = 0, तो एक्स इक्वल कितना आ जाएगा +2 आ जाएगा। तो एनओ में नाइट्रोजन की जो ऑक्सीजन अवस्था होती है वो क्या होती है प्लस की कितना आ जाएगी 2 आ जाएगी। नेक्स्ट बात करेंगे N2 की। तो N2 की ऑक्सीजन अवस्था निकालनी है अपन को। तो N2 के अंदर क्या आ जाएगा, आपको ध्यान रखना कि कोई भी एलिमेंट यदि गैसीय अवस्था में है तो उसकी ऑक्सीजन जो अवस्था होगी वो क्या होगी 0 होगी। तो यहां पर इसकी आएगी 0। अब यहां पर एक बार इसकी नंबरिंग कर देते हैं कि सबसे ज्यादा ऑक्सीकरण अवस्था HNO3 में नाइट्रोजन की है 1, फिर कौन आएगा 2, नंबर 3 और नंबर 4। तो यहाँ पर इस ऑप्शन में जाएंगे पास, तो यहाँ पर पहला कौन आ रहा है HNO3। तो इसका मतलब यहाँ पर भी HNO3, यहाँ पर भी HNO3, यहाँ पर भी HNO3, यहाँ पर क्या है NH4Cl। इसका मतलब ये ऑप्शन तो क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। ठीक है, अब सेकंड नंबर कौन पे आ रहा है, सेकंड नंबर पे आ रहा है NO। तो सेकंड नंबर पे NO कहाँ है, यहाँ पर भी NO है, यहाँ पर भी NO, लेकिन इसके अंदर NH4Cl, इसका मतलब ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, थर्ड ऑप्शन पे जाएंगे अपन। थर्ड क्या आ रहा है यहाँ N2, इसमें N2 है लेकिन इसमें NH4Cl, इसका मतलब ये राइट है, ये वाला क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। तो कहने का पहले क्वेश्चन का आंसर जो होगा थर्ड, सॉरी यहाँ पर सेकेंड होगा HNO3, NO, N2 और NH4Cl होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे अपन थर्ड, निम्न में से कौन सा तत्व Mf6-3 आयन बनाने में असमर्थ है। तो यहां पर देखता हूं कि ये जो एलिमेंट हैं वो कहने का पी ब्लॉक के वर्ग संख्या 13 के हैं। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम और लास्ट में कौन है इंडियम।
तो कैनेकत यहाँ पर देखता हूं तो बोरोन तो एक ऐसा एलिमेंट है जो कैनेकत Mn6-3 आयन नहीं बना पाएगा। क्यों नहीं बना पाएगा? क्योंकि इसके पास में रिक्त डी कक्षक नहीं होता है, इस कारण से ये नहीं बना पाएगा। जबकि ये वाला क्या करेगा, एल्युमिनियम गैलियम इंडियम जो होगा Mf6-3 आयन बना लेंगे। तो इसका आंसर जो होगा सेकंड का वो हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट बात करेंगे, थर्ड क्वेश्चन में देखेंगे निम्नलिखित में से ग्रुप 13 के तत्वों में परमाणु त्रिज्याओं का कौन सा क्रम सही है। ऑप्शन आपको दिया हुआ है और ग्रुप 13 के एलिमेंट आपको दिए हुए हैं, इनको परमाणु त्रिज्या के क्रम में लिखना है। तो यहां पर देखता हूं सबसे पहले बोरॉन, फिर कौन आता है एल्युमिनियम, फिर गैलियम, फिर कौन आता है इंडियम, और लास्ट में कौन आता है थेलियम। ये वर्ग संख्या कितने हैं 13, ग्रुप संख्या 13 के एलिमेंट है। अगर इसकी परमाणु त्रिज्या के क्रम में लिखता हूं तो यहां पर पहले कौन आएगा बोरॉन, उसके बाद में देखता हूं तो यहां पर एल्युमिनियम और गैलियम, इन दोनों में गैलियम की परमाणु त्रिज्या जो होती है वो एल्युमिनियम से क्या होगी छोटी होगी। इसका कारण यहां पर क्या है कि गैलियम के अंदर ये जो गैलियम है इसके गैलियम के आंतरिक डी कक्षक में, आंतरिक डी कक्षक में 10 इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण इसके प्रभावी नाभिक के आवेश में क्या हो जाएगी वृद्धि हो जाएगी। जैसे इसके प्रभावी नाभिक के आवेश में वृद्धि होगी तो वे क्या करेगा सिरेसी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगा, जिसके कारण गैलियम की जो परमाणु त्रिज्या होती है वो एल्युमिनियम से क्या होती है कम होती है। तो गैलियम की परमाणु त्रिज्या एल्युमिनियम से क्या होगी कम होगी। उसके बाद में जो रहेगा वो पूरा जैसा है वैसे रहेगा, गैलियम के बाद में कौन आता है एल्युमिनियम इंडियम, और लास्ट में कौन आएगा थेलियम। तो इस ऑप्शन की तरफ चल देंगे अपन, यहां पर पहले कौन आता है देखो इधर बोरॉन, तो बोरॉन कहाँ कहाँ है, यहां पर भी बोरॉन है, यहां पर भी बोरॉन है, यहां पर 4 ऑप्शन बोरॉन है, फिर गैलियम, यहां पर गैलियम है और यहां पर गैलियम है, एल्युमिनियम इधर है एल्युमिनियम, इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन तो क्या हो जाएंगे गलत हो जाएंगे। ठीक है, अब बात करेंगे एल्युमिनियम, तो यहाँ इसके अंदर गैलियम एल्युमिनियम है और इसके अंदर भी एल्युमिनियम। ठीक है, थर्ड नेक्स्ट वन है इंडियम, तो इसके अंदर क्या है टेलोरियम, मतलब इसके ये वाला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा, इसके अंदर इंडियम मतलब ये राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन 3 का जो आंसर होगा वो कौन सा होगा फोर्थ। ठीक है, बोरॉन गैलियम एल्युमिनियम इंडियम और टेलोरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, Cl3 की संरचना में केंद्रीय परमाणु क्लोरीन पर एकांक की युग्म इलेक्ट्रॉन की संख्या है 4, 2, 1 और 3, इनमें से कौन सी होगी वो अपन को देखनी है। तो पहले यहां पर Cl3 की संरचना बनाता हूं, तो Cl3 की संरचना एक तरह से कह सकते हैं अपन जो बनेगी वो टी शेप की बनेगी, ज्यामिति जो बनेगी वो कैसे बनेगी टी शेप, जैसे यहाँ पर एफ, यहाँ पर भी एफ और यहाँ पर भी क्या आएगा एफ आएगा। ठीक है, और इसके पास में ये क्लोरीन है, ये इस क्लोरीन के रिक्त डी कक्ष में 2 एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो इसकी शेप होगी वो क्या होगी टी शेप होगी। ज्यामिति की बात करेंगे अपन, संकरण की बात करता हूं तो यहाँ पर इसका जो संकरण जो होगा वो क्या होगा sp3d होगा। ठीक है, एक थोड़ा सा और मैं बताता हूँ कि संकरण अपन को निकालना तो हमेशा ध्यान रखना, संकरण निकालने का फॉर्मूला आपको ध्यान रखना, संकरण को अपन एन से बदल कर सकते हैं, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या इससे निकलेगा। ठीक है, देखो यहां पर एन, एन की वैल्यू आपको ध्यान रखनी है, यहां संकरण आ जाएगा। ठीक है, एन की वैल्यू जैसे कि एन की वैल्यू 2 आती है तो इसके लिए आ जाएगा sp3 आती है तो sp2, एन की वैल्यू 4 आती है तो sp3, एन की वैल्यू 5 आती है तो sp3d, 6 आती है तो sp3d2, 7 आती है तो sp3d3। तो यहां पर देखेंगे अगर जैसे एग्जांपल इसकी बात करता हूं तो यहां पर सिग्मा बॉन्ड कितने हैं यहां पर 3, तो 3 तो सिग्मा बॉन्ड आ जाएगी, लोन पेयर कितने हैं 2, तो यहाँ 2 इक्वल कितना आ जाएगा 5, तो एन की वैल्यू मतलब कितनी आ रही है 5। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो संकरण होगा वो क्या हो जाएगा sp3d। ठीक है, तो यहाँ पर अपन को तो यही देखना था Cl3 में केंद्रीय परमाणु जो Cl है उसके पास में एकांक की
युग्म इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, तो यहां पर आएगा 2। ठीक है, धन्यवाद।